आप नई कार लेने जा रहे हैं तो आपने अपनी पुरानी कार भी निकालनी है, उसको बेचना है, क्योंकि आप दो कार एक साथ नहीं चलाना चाहते। तो कहाँ आप अपनी कार पुरानी बेच सकते हैं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल जाए? और आज हम इसी विषय में बात करेंगे अमित सर से, उनसे पूछेंगे कुछ सवाल जो कि आपके फायदे में रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सर, जब भी हम नई कार लेते हैं तो अपनी पुरानी कार उसी डीलर को बेचना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें इधर उधर भागना नहीं पड़ता और हमें थोड़ा बहुत एक्सचेंज बोनस भी मिल जाता है। तो लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है? क्या हम फायदे में हैं, क्या हम नुकसान में है? उस पर सर फोकस करिए थोड़ा। सच बात तो यह है कि इससे सबसे आसान तरीका है अपनी पुरानी कार से छुटकारा पाने का। लेकिन क्या यह फायदेमंद है? ध्यान से समझा जाए तो वो डीलर आपसे कार खरीद कर उसी पर और फायदा कमाएगा, क्योंकि उसने एक बार फायदा नहीं कमाना है। आपने उसे अपनी कार का ऑफर देके उसको तीन गुनी इनकम कमाने का मौका दे दिया है। अपनी नई कार जो आपको बेच रहा है उस पर कमा रहा है, आपकी पुरानी कार सस्ते में खरीद के उस पर कमा रहा है, फिर आगे एक्स्ट्रा पैसे जोड़कर उस पर कमा रहा है, यानी वो तीन गुनी इनकम कमा रहा है। नई कार पर जितने पैसे उससे कमाने को मिले उससे ज्यादा उसे पुरानी कार पर कमाने को मिल रहा है। कैसे समझते हैं? मार्केट रेट आपकी कार का मान लिया 2 लाख रुपए है, तो आपका करंट डीलर आपको 1,40,000 की ऑफर देगा, और जब आप उससे बार्गेन करेंगे तो वो उसे बढ़ाकर 1.5 लाख कर देगा। फिर उसके बाद आप उसे अपनी कार हैंडओवर कर देंगे, वह आपकी कार को साफ करेगा, जहां जहां छोटी मोटी पेंट की जरूरत है वो करा के 5,000 से 8,000 रुपए में एक डीलर को अपनी वर्कशॉप में इससे ज्यादा खर्च नहीं आएगा इतना मेंटेन करने में, और फिट करके उसे ट्रू वैल्यू की दुकान पे टैग लगा के खड़ा कर देगा, और उस पर टैग लगा मिलेगा आपको अगले हफ्ते उसी कार पर 2,90,000 रुपए का। क्यों 2,90,000 रुपए में कोई नहीं खरीदेगा? वो बार्गेन करेगा और 2 सप्ताह में ये उसे बेच देगा, यानी वह कार आपसे उसने खरीदी 1.5 लाख रुपए में और उसने 2 सप्ताह में बेच दी, यानी जितने पैसे आपको मिले उससे ज्यादा पैसे उसे खुद को मिल गए, उसने डबल प्रॉफिट कमाया आपसे सिर्फ 2 से 3 हफ्तों बीच में। और कौन सी कारें जल्दी बिक जाती हैं? ध्यान से समझे, जो कारें ज्यादा सेल होती हैं एक्चुअल में, जैसे वैगनार, स्विफ्ट, आल्टो, डिजायर, ऐसी कारें खड़े खड़े बिक जाती हैं। होंडा सिटी, सेंट्रो, i10 खड़े खड़े बिक जाती हैं। ऐसी कारों में उसे कमाने को चट से मौका मिल रहा है। ऐसी कारों को बेचते समय कभी भी डीलर को हैंडओवर ना करें जो खड़े खड़े बिक सकती हैं, जिनकी डिमांड ज्यादा है। सर, अभी मार्केट में कुछ लोकल डीलर भी हैं, छोटे मोटे डीलर जो मतलब दुकान खोल के उसमें डीलिंग का काम करते हैं, आपसे पुरानी कार लेके उसको बेचते हैं, तो वहां पर अपनी गाड़ी देना कैसा रहेगा? देखिए, इन डीलर का भी वही सेम प्रॉपर है, वो आपसे कम कीमत में गाड़ी लेंगे और आगे ज्यादा कीमत में, लेकिन वह ट्रू वैल्यू या फर्स्ट चॉइस या शोरूम इनके मुकाबले काफी बेहतर प्राइस आपको ऑफर करते हैं। यानी आपकी अगर कार 2 लाख की है तो वह आपको 1,70,000 का ऑफर देंगे, यानी उससे वो ऑफर फिर भी बेहतर होता है, और अगर आप बार्गेन करते हैं तो 1,80 पे वो सेटल कर देंगे। वह आपसे कार लेंगे, आपको एक छोटा सा एडवांस टोकन पकड़ाएंगे, आपसे डॉक्यूमेंट साइन कराएंगे और रख लेंगे, और जैसे ही अगला कोई कस्टमर आया उसको कार बेचेंगे, डॉक्यूमेंट्स उसको हैंडओवर करेंगे, उससे जो पैसे आए उससे आपको बाकी जो बचा अमाउंट वो आपको हैंडओवर कर देंगे। इस तरह से उसको अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है या बहुत थोड़ा सा करना पड़ा, और उनको एक कार उतने दिनों तक अपने शोरूम में खड़ी करने को मिल गई। इस तरह से वो डीलर काम चलाता है। लेकिन इसमें भी वह डीलर खैर उतने शोरूम जिस तरह से मारुति, होंडा या हुंडे के शोरूम कमा लेते उतना नहीं कमाने को मिलता है, लेकिन फिर भी वो काफी पैसे कमा लेता है इस छोटे से सेटअप के बाद भी। आप चाहते हैं आपकी जो पुरानी कार है उसको आपको अच्छी वैल्यू मिले, अच्छे रेट मिले और वो सही दामों में निकल जाए, तो क्या तरीका है वो जिससे कि आपको उसके अच्छे दाम मिल सकते हैं? ध्यान से समझिए, आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में आपके पास पूरी दुनिया खुली हुई है। हम समझते हैं हम ऐसे किसी कस्टमर को नहीं जानते, जबकि सच्चाई यह है कि हम ऐसे कस्टमर को डायरेक्ट नहीं जानते, लेकिन इंटरनेट के थ्रू हम पूरी दुनिया को जानते हैं। आज की तारीख में कई ऐसी साइटें हैं जहां पर आप अपनी कार के पिक्चर्स, उनके रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स और कार के एक्चुअल फोटोग्राफ लगाकर लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि मैं अपनी इस कार को बेचना चाहता हूं, यह इतनी चल चुकी है, इस मॉडल की है और इस कंडीशन में है, तो डायरेक्ट कस्टमर आपको कॉल करके उसकी प्राइस देख सकता है, और ऐसे कस्टमर हमेशा ज्यादा अच्छी प्राइस ऑफर करते हैं किसी के भी मुकाबले, क्योंकि उन्हें जरूरत होती है उस टाइम पर कार की।
हाँ, उनको कार की जरूरत होती है, और दूसरा वो आपकी उसी कार को जो ट्रू वैल्यू में खड़ी थी उसको देख के आके देखता है कि वहाँ 2,90,000 की बिक रही है, तो मैं यहाँ पर अगर 2,50,000 में ले लेता हूँ तो अच्छा होगा। तो वो आपकी 2,00,000 वाली कार वो कस्टमर आपको 2,50,000 उसके ऑफर कर देता है, जबकि उसके लिए वही डीलर आपको 1,50,000 ऑफर कर रहा था, और वही सेकंड हैंड मार्केट वाला छोटा डीलर आपको 1,70,000 ऑफर कर रहा था। तो यह जो बड़ा अमाउंट बीच का है, आपको किसी को कमीशन नहीं देना पड़ा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू आपके पास बंदा आया, आपको दिखाया और दे दिया। अब इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। तो आपने एडवर्टाइजमेंट डाला किसी साइट पे, जैसे OLX है, क्विकर है, और आपकी डील हो जाती है फिक्स, और जो आपका बायर है वो आपकी कार देखने के लिए आता है, तो उस टाइम पे कुछ प्रिकॉशन आपने लेने काफी जरूरी है। जैसे उसको कार की टेस्ट ड्राइव कराने से पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस जरूर देखें, और किसी सुनसान जगह पे ना मिले, और टेस्ट ड्राइव किसी ऐसी रोड पे ना कराए जहां पर कोई चहल पहल ना हो, और आप अपने आसपास के इलाके में ही टेस्ट ड्राइव कराइए, और अपने साथ लगभग 2 आदमी तो रखिए जिससे कि आप अपनी साइड से सेफ रहें। तो ये छोटे मोटे प्रिकॉशन हैं जो आपने लेने पड़ेंगे, और उसकी आइडेंटिटी जरूर देखें अपनी गाड़ी उसको हैंड ओवर करने से पहले। और सबसे आसान तरीका होता है कि जब भी हम इससे बात करते हैं, आप पहले ही उसको बोल दीजिए कि सर आप आ रहे हैं गाड़ी देखने, तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस और अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके आइएगा, तो सामने वाला व्यक्ति तैयार हो जाता है कि हाँ उसको अपनी आइडेंटिटी शो करनी है, वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है, वो कोई टेररिस्ट तो नहीं है, आपकी गाड़ी का मिसयूज करेगा। तो आपको पहले ही जेन्युइन कस्टमर मिल जाता है जिसके साथ आप अच्छी डील कर सकते हैं। एक जेन्युइन कस्टमर हमेशा आपको ज्यादा पैसे देगा बगैर एक अनजेन्युइन कस्टमर के। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आपने अपनी गाड़ी बेचनी है तो किसी इंडिविजुअल को बेचें जिसको जरूरत है, और आपने कोई गाड़ी खरीदनी है तो किसी इंडिविजुअल से खरीदे जिसको बेचनी है। डायरेक्ट कनेक्शन में ब्रोकेज नहीं होता, पहला। दूसरी चीज, आप खुद देखते हैं, खुद जानते हैं, और प्राइस की बार्गेन करने का आपके पास सहूलियत होती है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन से बड़ा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता है, यह बात समझ ले। एक डीलर के पास 5 कारें हो सकती हैं, या ट्रू वैल्यू या फर्स्ट चॉइस जैसे बड़े ब्रांड के पास 10 कारें हो सकती है, 20 कारें हो सकती है, लेकिन इंटरनेट पे तो भरमार है, सैकड़ों कारों की। आपके पास बहुत बड़ा डेटा मौजूद है, आप अपने पसंद की कार वहां ढूंढ भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं काफी बेहतर कीमत पर, और यह बेहतर कीमत आपके लिए भी अच्छी है बेचते समय, और मेरे लिए भी अच्छी है खरीदते समय। क्यों? क्योंकि मेरे बीच में कोई ब्रोकरेज नहीं जा रही है, और इस तरह से आप अपने सपनों की कार अगली खरीद के पुरानी कार भी बेच पाते हैं अच्छी कीमत पर, या हमें अगर सेकेंड हैंड खरीदनी है तो भी हम इस ट्रिक से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेकेंड हैंड कार कैसे चेक करनी है, इस पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो रवि जी ने एक वीडियो बना रखा है, लिंक ऊपर है, क्लिक करो और देख लो। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा पुरानी कार को चेक करने का। तो ये थी कुछ टिप्स हमने सर से ली पुरानी कार बेचने के लिए। तो थैंक यू सर सो मच, और सर का चैनल है आस कार गुरु, वहां जाके जरूर ऐसी मजेदार वीडियो वहां पर मिलते हैं, और जाके सब्सक्राइब करें, और देसी ड्राइविंग स्कूल को भी सब्सक्राइब करें, सर का चैनल मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और आज इजाजत लेना चाहूंगा अभी की इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।